अमेजिंग पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ योर बॉय आयुष। और आज का व्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज भी मेरे पास कुछ प्लान्स है कि हम क्या करेंगे, तो इसलिए व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना। सुबह सुबह सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हमने जो पौधे लगाए थे उन दोनों में पानी डाल देते हैं। एक तो अपने पास यहाँ पर है जो ऑलमोस्ट गीला ही है, पर इस पर फिर भी पानी डाल देते हैं। और एक जो यहाँ पर डिब्बा रखा था वो पता नहीं, शायद यहाँ पर किसी ने रख दिया, तो यार वो यहाँ पर है। और पहले मैं कंफ्यूज हो गया था इन दोनों के बीच में, फिर मैंने मतलब मिट्टी यहाँ पर गीली है, मतलब यहीं पर हो सकता है, तो इसमें हम फटाफट से पानी डाल देते हैं। सो यार सीन ऐसा हुआ है कि हमने इसमें पानी तो डाल दिया है, बट नीचे से पानी वापस से निकल गया है। इसी वजह से यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है, तो उसमें पानी आने के चांसेस है, तो हम इसको पहले इधर कर देते हैं। तो गाइज हमारे पास है यहाँ पर कलर, और कलर इसके साथ हमारे जो घर में मतलब सबके घर में आमतौर पर होती है टोमेटो केचप की बॉटल, कोई फेंक देता है, कोई कुछ करता है, बट हम इसका कुछ ना कुछ रीयूज़ करेंगे। और सोच रहा हूँ कि इस पर जो है सबसे पहले तो यार जो बॉटल है ना यार बहुत गंदी हो रही है, काफ़ी दिन से रखी हुई है, तो हम इसको धो लेते हैं। तो गाइज हमारी जो बॉटल है वो धुल चुकी है और काफ़ी मस्त दिख रही है, बट यार हवा ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा चल रही है और बारिश भी होने वाली है। बादल देखो यार ऊपर आपको दिख रहे होंगे, पूरे काले बादल छा रहे हैं यार। इस पर क्या करते हैं, चलो देखते हैं। हमारे पास इसमें वैसे तो काफ़ी कलर है, बट 4 से 5 कलर ऑलमोस्ट ऐसे है जो काफ़ी अच्छे लगेंगे अगर इस पर कलर कर दिया जाए। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इन बॉटल्स पर कलर किया जाए और थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में, ताकि काफ़ी अच्छा दिखे भी और जो वेस्ट है वह भी काम में आ जाएगा। बस काफ़ी स्ट्रगल के बाद हमने पता नहीं कुछ बना लिया है। पता नहीं का मतलब यार मैंने मतलब सिर्फ कलर किया यार, इसमें सबसे नीचे रेड है, फिर ऑरेंज है शायद, फिर ग्रीन है, जिसके बाद आई थिंक ब्लू कलर है, जो थोड़ा सा वाइट है, जिसके बाद आई थिंक पेरी कलर है। ओके सो हमने कलर इसमें ज़रूर किया है, बट क्या बनेगा इसका आगे मैं आपको बताता हूँ। बट अभी एक्चुअली प्रॉब्लम यह हो गई है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसलिए इसका आगे का काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जो मौसम है ना यार, बादल देखिए, मतलब पानी आने ही वाला है और हवा वगैरह काफ़ी चल रही है, तूफान सा आ रहा है। तो यार जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आती है इसके अंदर लाइट डालनी है, और मैं आपको जिसके बाद बताता हूँ, क्योंकि ये स्पेशली बनाया मैंने एक रूम में लगाने के लिए। सो मैं बताता हूँ आपको जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आती है, और मुझे तो लगता है यार काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी अच्छा लगने वाला है यार। ऑब्वियसली मेहनत की यार, अच्छा नहीं भी लगेगा तो भी अच्छा ही रहेगा, मतलब एक्सपीरियंस तो मिला एटलीस्ट। क्योंकि इमेज जब बनती है ना दो बार बनती है, एक बार माइंड में और एक बार रियलिटी में। तो जो मुझे माइंड में दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट रियलिटी में भी अभी तक तो काफ़ी सही चल रहा है। आगे देखते हैं, क्योंकि मेरे पास कलर इतने ही थे और वाटर कलर नहीं थे, तो इसीलिए ऐसे हुए, बट इट्स ओके यार, जो भी होगा आगे अच्छा ही होगा। ओवरऑल आपने देखा कि यह बना हमारे पास लाइट के साथ में, यह बन कर आया, जो कि यार ओवरऑल गुड है। अगर एक है तो यार थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लग रहा होगा मे भी इतना, बट 2 या 3 बॉटल अगर रहती तो और मज़ा आता। और मैं सोच रहा हूँ कि 2 या 3 बॉटल और की जाए और उसमें भी लाइट लगाई जाए, ताकि काफ़ी अच्छा लगेगा। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप डायरेक्ट सिंपल लाइट मतलब सिंपल बॉटल में बिना कलर किए हुए लाइट लगाते हो तो लाइट्स डायरेक्ट शो हो जाती है, जिसमें मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा कलर किया है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। सो होपफुली गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक वगैरह ज़रूर कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं भी करना चाहते हो तो आगे की कुछ वीडियोज़ देख के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। और आपने यहाँ तक वीडियो देखा यार तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ यार सेफ़ रहिएगा, मास्क वगैरह पहन के रहिएगा। ओके बाय।